अच्छा जी, वीडियो पूरी देखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आखिर तक जो देखेगा उसको एक चीज़ पता चलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे उसको बहुत तसल्ली मिलेगी। अभी जो आने वाले 10 घंटे हैं वो बहुत क्रूशल होने जा रहे हैं फॉर पबजी मोबाइल। पबजी मोबाइल व्यूवर्स जो के देख रहे हैं ये वीडियो और जो लवर्स हैं उस गेम के, वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को ये वीडियो मिले। क्योंकि अभी जो आगे वाले 10 घंटे आने लगे हैं इनमें पबजी मोबाइल अनलिफ्ट बैन जो है, हैशटैग मतलब कि बैन हटने लगा है, उसके लिए बहुत क्रूशल मोमेंट्स है फॉर व्यूज, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स और कमेंट्स, जिसमें आपने लिखना है हैशटैग अनबैन पबजी, हैशटैग लिफ्ट पबजी बैन। अब क्यों है और क्या पबजी अनबैन होने लगी है, इसको मैं आज बताने लगा हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखना प्रूफ्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल नाफे और आप देख रहे हैं नाफे वासे वाइंस यूट्यूब चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा तसल्ली दे देता हूँ, बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनको तसल्ली हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा क्या है सीन और वो यूट्यूब से थोड़ा दूर चले जाएंगे। मतलब जिस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। अभी आज का जो दिन है 9 जुलाई, इस दिन मतलब YouTube पे जो जितने लोग बैठे होंगे ना, वो आप लोग सोच नहीं सकते। जाहिर सी बात है, आप लोग सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब PUBG का एकदम से आएगा अनबैन होगी, एकदम से पता चलेगा अच्छा गेम्स आपको सही हो गए, सर्वर ठीक हो गए, कब होगा। तो ये वीडियो आप देखकर आप रिलैक्स करेंगे, ईजी हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा अच्छा ये अनबैन का ये टाइम है, ये सीन है, और पता चल जाएगा कि अच्छा आप अब यूट्यूब से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से चिल करते हैं और थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको। अब मैं बताता हूँ क्या मसला है। बात यह है कि आज बात होनी थी वकार दक्का की, तो वकार दक्का ने जो यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो बनी डाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने ये बताया था कि ये ऑनलाइन डिस्कशन होगी कैमरा के थ्रू और वॉइस के थ्रू बात होगी, कि वो अपने बातें करेंगे, वो अपने लाएंगे सबूत लाएंगे और इस तरह की बातें, जो भी अपने हक़ में बात करेंगे, पबजी बैन के हक़ में बात करेंगे और वकार दक्का पबजी अनबैन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो वकार दक्का ने जब ये यूट्यूब पर वीडियो डाली तो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कि जिस तरह वकार दक्का ने बोला कि मैं थोड़ा परेशान हूँ इस वक्त, क्योंकि जिस तरह मुझे नहीं लग रहा कि ये तारीख पे तारीख वाला सिलसिला होने लगा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब किया हो तो आपको पता चल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि क्या पता ये डिले हो जाए आगे, जो कि वकार दक्का ने कहा कि शायद ये हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद जब वो क्या नाम है सब कुछ होया, तो उसके बाद हमें जो सबसे फिट न्यूज़ मिल रही है वो ये है कि FS जो क्लैन है, ये FS मलिक भी एक प्लेयर था डकी भाई के रूम में, जो कि काफ़ी मशहूर हुए थे, उनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली थी, सेकंड तक आए थे या फर्स्ट आए थे मुझे इतना याद नहीं है। तो उनका जो क्लैन है उन्होंने कम्पीट करना था इंटरनेशनली। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें थोड़ा सा मोहलत दे दी जाए, थोड़े से दिनों के लिए इस गेम को अनबैन कर दिया जाए, यानी कि टेम्परेरीली। ये लफ्ज़ आप याद रखें कि इस बात को उन्होंने ये बोला है कि इस गेम को थोड़े दिनों के लिए बैन हटा दिया जाए ताकि हम अपना टूर्नामेंट कंप्लीट कर लें, पाकिस्तान ने उस टूर्नामेंट में कंप्लीट करना है। अच्छा, तो अब ये तो बात उनकी अपनी होगी, थोड़े से दिन हमें भी मिल जाएंगे, हम भी खेल लेंगे जो लोग हैं, लेकिन जिन्होंने पैसे लगाए हुए, जो स्ट्रीम करते हैं, जिन्होंने डेली करना है, उनका कोई सिर्फ चंद दिनों के काम नहीं है, जिन्होंने हर रोज़ करना है, जिन्होंने अपना प्रोफेशन ही बनाना है, उनकी बात है। तो अब ये बात है कि अनबैन टेम्परेरीली का बात जो है, उन्होंने एक जो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स और काफ़ी ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि वो हो जाएगा। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, ये आपको खुशखबरी है कि आप तो उस वक्त तक होगी हो, मुझे नहीं पता। क्या नाम है वो जो अनबैन है वो किसी वक्त भी हो सकता है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ठीक है, और किसी वक्त भी अनबैन हो सकता है, और अब जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं क्या नाम है, बहुत करीब रह गया वो, मतलब समझ ले 5 to 7 आवर्स की, 1 से 1 घंटे से लेकर 9-10 आवर्स तक उसके दरमियान एक फ़ैसला आ जाएगा कि टेम्परेरीली अनबैन हुई है या कि तारीख दे दी गई है या फिर बैन ही कर दी गई है। लेकिन बैन का इस वक्त बिल्कुल चांस नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक जैसी बातें हैं। देखिए, अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर जो बात कर रहे हैं वो चीज़ बता रहे हैं जो कि हो ही है, ये बात हुई है FS क्लैन की कि ये सब कुछ होगा। आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ क्या नाम है गलत होगी, अगर बैन कर दी जाती है तो ये उनकी बात है, उन्होंने ये फैसला देना है। और अभी क्या पता वो अनबैन का उन्होंने फैसला कर लिया हो टेम्परेरीली, लेकिन उन्होंने को बटन ही दबाना, उन्होंने प्रॉपरली एक क्या नाम है फैसला देना है, उस पर टाइम लगता है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसलिए अब समझ लें कि बहुत करीब टाइम रह गया और काफ़ी ज़्यादा वकार दक्का
जो है उन्होंने काफ़ी मरतबा ये कह दी है बात कि बस एक घंटा एक घंटा, हालांकि टाइम होता जा रहा है आगे से आगे, बस समझ लें कि बहुत करीब रह गए टाइम और अनबैन पबजी इज़ रियली कमिंग सून, मतलब सून तो नहीं, मतलब बिल्कुल ही एक दो घंटे रह गए हैं। और बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जूँ ही ये अनबैन हो एक वीडियो आए और आप लोगों को पता चल जाए और आप तसली से आप बैठ जाएँ कि ये सारा मैंने आपको मामला बता दिया कि किसी वक्त भी हो सकती है। और इसके लिए अब आप रिलैक्स करें, एक दिन छोड़ दें, नहीं आपने एकदम से आनी तो खेलना शुरू कर देना है बस, मतलब कल तक आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सीन है, या क्या पता रात को 2-2.5 बजे तक पता चल जाएगा कि क्या क्या पता 11 बजे पता चल जाएगी, ये अब पीटीए पे डिपेंड करती है बात। और बाकी यही सारा हुआ है काम। अब एक और बात जो मैं आपको इसमें बीच बताता हूँ, जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं उनको सब कुछ समझ आ रही है कि क्या क्या सीन है। अहमद गेमिंग जो जिन्होंने बात करनी है वो एक मेन रोल है, वगारदा का कराची से हैं और अहमद गेमिंग लाहौर से, लाहौर का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर की तरफ से क्या पता अहमद गेमिंग आए और वो बोले अनबैन ही कर दिए, टेम्परेरीली का कोई सीन ही नहीं, क्योंकि वो तो बात ये नहीं करेंगे मुझे टेम्परेरीली गेम चाहिए, वो तो कहेंगे प्रॉपरली गेम चाहिए। तो ये बात है कि अहमद गेमिंग का भी इंतजार करना पड़ेगा और अहमद गेमिंग की वीडियो आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है क्या सीन हुआ है। लेकिन अभी तक ये पता चल रहा है कि टेम्परेरी अनबैन 90% चांस है और 10% चांस, जो डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।